नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ चित्रांश, आपको फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल ब्लॉग चित्रांश में। आज हम आ गए हैं अम्बागढ़ चौकी, जहाँ ये है महिंद्रा का, यहाँ डीलरशिप भी मिलेगा आपको। और ये है अम्बागढ़ चौकी, जैसे ही आप आएंगे सामने में ही दिख जाएगा। यहाँ महिंद्रा कंपनी का सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स भी दिखाने वाला हूँ, और कुछ कुछ न्यू ट्रैक्टर है जिसमें क्या खासियत है भैया के थ्रू पूरा जानेंगे, और प्राइस कितना है, फाइनेंस होगा कि नहीं होगा, कहाँ का मॉडल कितना है, कितना चला होगा, पूरा बताने वाले हैं। तो एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है Chitransh1245, और फेसबुक में जाइए, वहाँ भी हमारा वीडियो डालने स्टार्ट हो चुका है। ब्लॉग चित्रांश सर्च कीजिए, वहाँ भी हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलो भैया को बुलाते हैं और पूरा डिटेल्स लेते हैं। वेलकम माई यूट्यूब चैनल सर, आपका नाम क्या है? दुर्गेश यादव। दुर्गेश यादव। यादव, ये शॉप कब से? ये 2018 से। 2018 से। और ये लैंडमार्क बता दीजिए जिसको लेने के लिए आना होगा। ये है अम्बागढ़ चौकी, मेरे गांव रोड, राजनांदगांव। अच्छा, और का कांटेक्ट नंबर? 8817314161। अच्छा, और आपके पास महिंद्रा कंपनी का डीलरशिप भी है ना? जी जी, महिंद्रा ट्रैक्टर। अच्छा, जो भी नए भी लेना चाहेंगे वो नया भी ले सकते हैं? नए भी, पुराने भी। और एक्सचेंज होते हैं कि नहीं? एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज हो जाता है? एक्सचेंज भी करते हैं। अच्छा, अभी आपके पास स्टार्टिंग प्राइस में क्या है, स्टार्टिंग सबसे कम में? सेकंड हैंड गाड़ी पे 1.5 से 2 लाख से स्टार्ट है। 1.5 से 2 लाख। हाँ, और चार लाख में कम में भी मिलता होगा? हाँ, सीजन में देख के अपने हिसाब से। अच्छा, चल लेते हैं। जैसे कि ये महिंद्रा B275 DI है, LX मॉडल है ये महिंद्रा 275 DI है, भूमि पुत्र। इसको 39 HP की गाड़ी है, पावर स्टेयरिंग है, गीला एयर क्लीनर है। हम लोग का अभी जो नया मॉडल आ रहा है, ये सॉरी पुरानी मॉडल है, अभी सूखा एयर क्लीनर आ रहा है हमें। अच्छा, ये पुरानी मॉडल है, इसमें गीला एयर क्लीनर है, पावर स्टीयरिंग है। ये 3 सिलेंडर में रहता है? हाँ, ये 3 सिलेंडर में है। और ये पूरा हुड वगैरह लगा के दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हुड नागर केज बिल के साथ। कितना घंटा चला है ये गाड़ी? चली भी 1200 के आसपास चली है। 1200 के आसपास। क्या डिमांड रखी इसका? अभी हम लोग रेट रखे हैं इसका 2,75,000 रुपए, ट्रैक्टर नागर केज बिल और नाम ट्रांसफर करके कंप्लीट प्राइस है। कंप्लीट प्राइस है। अच्छा, अलग से किसान भाई भटकने भटकना नहीं पड़ेगा। पासिंग कहाँ का होगा सर? पासिंग राजनांदगांव ही है। अच्छा, ये अपना राजनांदगांव? हाँ, बिल्कुल राजनांदगांव 08। और जैसे कि अपना ये महिंद्रा SP+ आ रहा है 415 DI, जी जी, इसकी कुछ खासियत होगी तो बताइए। ये मैं बताया ना, इसी में ही है अपना सूखा एयर क्लीनर है। जैसे होता क्या है, जैसे हम पुरानी मॉडल है, पुराने मॉडल पे हम लोग हर 250 घंटे में जब सर्विसिंग करते हैं तो उसका एयर क्लीनर फिल्टर और ऑयल वगैरह चेंज करना पड़ता है। अच्छा। हर 250 घंटे में। लेकिन इस गाड़ी में खासियत ये है, 400 घंटे में सर्विसिंग होती है। अच्छा। 150 घंटा एक्स्ट्रा चलता है। और इसका जो एयर क्लीनर वो है वो सूखा है, इसमें सिर्फ हवा मारना है। 2000 घंटा या 2 साल में एक बार चेंज होता है। अच्छा, 2 साल में एक बार। उसके अलावा इसमें LED लाइट है, डबल फेस गार्ड है, पावर स्टीयरिंग है, और ये कितने सिलेंडर? 4 सिलेंडर। ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है। अच्छा, इसमें 6 साल की वारंटी है। इसके टायर्स के क्या साइज होंगे? टायर है इसमें 13/6/28 की। हाँ। और फ्रंट है पीछे क्या? 13/6/28। हाँ, पीछे है 13/6/28 का। इसका 6/16 होगा? 6/16 है सामने का, है ना। बाकी LED लाइट के साथ इसका थोड़ा साइज बड़ा हुआ क्या टायर का? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से थोड़ा साइज बड़ा। अच्छा, और इसमें 6 ईयर की वारंटी? 6 साल की वारंटी है। अच्छा, और ये न्यू में क्या पड़ता होगा? न्यू में अभी इसके हम लोग कोटेशन के एसेसरीज के साथ में हम लोग दे रहे हैं 6,80,000 के आसपास। 6,80,000। और कितने HP होगा ये? है 42 HP में। 42 HP। अभी और सेकंड हैंड है उधर? हाँ है, 475 है। 2011 मॉडल है ये। 2011 मॉडल। हाँ, 2011 में है ये है 42 HP में। पासिंग कहाँ का होगा? पासिंग राजनांदगांव है। राजनांदगांव। हाँ, कितना घंटा चला होगा ये? चला है 1136 घंटा चला है। 1136। ये पूरा हुड वगैरह कंप्लीट करके? कंप्लीट करके देंगे। क्या डिमांड रखते हैं इसमें? डिमांड अपन डाले हैं 3 लाख लगभग। 3 लाख नांगर कैजुअल के साथ कंप्लीट? हाँ। अच्छा, पूरा ओके है? कुछ खर्चा इसमें अभी? अभी कुछ नहीं है खर्चा, पूरा टायर का है बस, सामने का थोड़ा सा टायर देखना पड़ेगा, बाकी गाड़ी अच्छी है। ओके। जैसे कि ये 575 है, इसका भी कुछ खासियत जान लेते हैं। न्यू में है ना सर ये? मैं न्यू में है। कितने HP माता होगा ये? ये है 47 HP की गाड़ी है। हाँ, और सेम जैसे 415 के बारे में बताए हम लोग। हाँ। सेम वही इसमें भी फीचर्स है। अच्छा। हाँ, बस ये 47 HP गाड़ी है, वो 42 HP की गाड़ी, बाकी कुछ अलग अदर नहीं है उसमें, है ना? अदर नहीं है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और अभी है आपके पास सेकंड हैंड में? सेकंड हैंड में अंदर भी और गाड़ियाँ हैं। अच्छा, अंदर और है। स्टार्ट करते हैं उधर से महिंद्रा का। वो कौन सी वाली महिंद्रा है भैया? वो 475 महिंद्रा मॉडल है और वो 2014 मॉडल है। 2014 का है। कितने HP का है वो?
वो आएगा 42 HP में आएगा। कंपनी क्या करती थी पहले उसको सरपंच मॉडल में निकाली थी, बाद में भूमिपुत्र के, तो वो भूमिपुत्र मॉडल है। अच्छा भूमिपुत्र मॉडल है। उसके बाद अभी उसी के मॉडल में 42 HP में अभी SP प्लस कर दिया है जो नई बाहर खड़ी है। अच्छा वो कितना और चला होगा? वो चला होगा 3000 3000 घंटा करीब चला होगा, और तकरीबन वो गाड़ी 6-7 साल पुरानी है। 6-7 साल पुरानी है। क्या डिमांड रखे उसका? उसका अपन रखे भाई 3-10 3,10,000 और ये पेपर इंक्लूड है कि? नहीं नहीं इसमें सब अपन ओके करके देंगे, प्लस नांगर कैजुअल भी देंगे। अच्छा नांगर कैजुअल के साथ प्राइस है जी। अगर फाइनेंस की सुविधा, अगर फाइनेंस को कराना चाहते तो अपने यहाँ फाइनेंस की सुविधा है, जिसमें अपन महिंद्रा फाइनेंस या चोला मंडलम या जहाँ से भी वो कराना चाहे यहाँ फाइनेंस करा। अच्छा हो जाते हैं ना जी सारे, पूरा हुड वगैरह लगा के देंगे उसमें। हाँ हुड वगैरह कंप्लीट लगा के देंगे। इसके बाद ये है 275 ये 275 ठीक है। 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल है। अच्छा अच्छा इसकी डिमांड रखे हैं अपन 2,60,000 रुपए। 2,60,000 कितने HP का है वो? ये है आपका, इसमें दो आते हैं, जैसे 275 TU आता है, 275 इको आता है। तो ये गाड़ी जो है 275 इको है जो 39 HP है, तो वो 35 HP में आएगा। और ये जैसे खड़ी 275 इसको देख सकते हैं, ये TU है, ये TU है, और अपना वो इको है, वो इको है। 2,60,000 पूरे कंप्लीट करके देंगे। कंप्लीट करके देंगे नांगर केज भी सब सहित देंगे। अगर वो फाइनेंस कराना चाहे तो डाउन पेमेंट देके अपना फाइनेंस करा सकते हैं। और ये अपना ये वाला, ये है महिंद्रा 275 DI TU, ये उससे 2 HP ज्यादा है, 39 HP। अच्छा 39 HP में जी। ये 2007 मॉडल, 2007 पूरा ओके है कंडीशन? ये पूरा ओके है कंडीशन, सिर्फ बैटरी लगाना, बाकी कोई खर्चा नहीं। हुड लगा के देंगे। इसकी डिमांड रखे 2,80,000 उससे ज्यादा पुरानी ये होगी, लेकिन ये ज्यादा अच्छी कंडीशन में। अच्छा अच्छा जी। ये भी नांगर केजुअल, क्योंकि जब एक्सचेंज आता है ना तो अपन गाड़ी को पहले देखते हैं क्या है, कैसा है प्रॉब्लम, चला के उसके बाद जिसमें ज्यादा बढ़िया रहता है उसका रेट अपन उसके हिसाब से। अच्छा, और आपके पास जी नांगर केजुअल में सेकंड हैंड में भी मिलता है? सेकंड हैंड नांगर केजुअल भी मिल जाता है, ठीक है, जो आया रहता है कहीं कहीं, या नए हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल है। नए और सेकंड हैंड में क्या है प्राइस में डिफरेंस? देखो नए अभी लोहे का रेट जैसे बढ़ रहा था, नए में जो प्राइस है 15,000 रुपए की आ रही है। सेकंड हैंड में जैसे जितने दिन चला होगा उतने का अमाउंट अपन काट देते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा है। और है अभी आपके पास ट्रैक्टर? ट्रैक्टर में हमारे पास है अभी लेटेस्ट मॉडल में XP+415 जो 42 HP में आई है, उसी का रिप्लेसमेंट है 475 का। और दूसरा है XP+ जो 5+ में 2 HP बढ़ जाता है। हाँ प्लस में ऐसा है कि उसका नाम है। अच्छा तो XP+ में ऐसा है कि अगर वो 75 HP का है, मतलब वो 275 है, तो फिर 37 HP हो जाएगा, तो बाहर 415 खड़ा तो 42 HP हो जाएंगे, और जो बाहर 575 खड़ी है वो 45 HP होगा, तो वो उससे 5 HP ज्यादा खड़ी बाहर का। अच्छा लगभग किसान भाइयों, मैंने आपको ऐसे 4-5 सेकंड हैंड और न्यू का भी कुछ क्या खासियत है वो भी बताया, तो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अंबागढ़ चौकी में अभी तक वीडियो नहीं बना था। यहाँ महिंद्रा कंपनी का डीलरशिप है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।